तो जी जनाब, अभी हम लोग निकले हैं मोहम्मद को छोड़ने के लिए और टाइम हुआ है 7:15। फिर हम लोग का प्लान है कि हम लोग नाश्ता भी बाहर से करें। अब सुबह के वक्त ठंड होती है और शाम को वही गर्मी हो जाती है। मैंने ऑर्डर किया बहुत मज़ेदार सी थाली और अम्मी ने वही अपना पेटेंट मसाला डोसा। फिर हम लोग घर चले गए थे। फिर शाम में हमें निकलना था क्योंकि कुछ घर का सौदा नहीं था। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, नेस्टो जा रहे हैं। मुझे फ्रेंच ब्रेड भी लेनी थी क्योंकि मुझे वो गार्लिक ब्रेड बनाना था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गार्लिक ब्रेड। तो मैं घर जाके ख़ुद बनाऊंगी और बड़े मज़े के बनते हैं। हम में से कोई भी ब्राउन एग्स नहीं खाते। ये जनाब अपने ही ब्राउन एग्स लेके चल रहे हैं। छोटा ही लो ना। चाचा को कीप दिस इन द ट्रॉली फर्स्ट। I don't know, Chuchu. Okay, let's go. Ami, आप लाइट ले आई। माँ आप लाइट दही ले आई। Let's go, Chuchu. चलो बेटा चलो। मैंने गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए तकरीबन 40 ग्राम्स मक्खन लिया है, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया। 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिया, जिसे मैंने पतला पतला चॉप कर लिया। बड़े कोई मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और
पिज़्ज़ा हट से जो हम खाते हैं सेम सेम वैसे ही होती है, बहुत मज़े की है। अभी मैंने जो है ऑरिगानो डाल दिया तकरीबन हाफ टी स्पून, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट गार्लिक का होता है और इसी का होता है। ये मैंने लिया है मोज़रेला, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया जबकि मैं ख़ुद इसको छोटे छोटे पीसेस करके ऊपर रख रही थी। ये है मेरी गार्लिक ब्रेड, तकरीबन तैयार है। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरा चैनल पसंद आए, व्लॉग पसंद आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।